दिल्ली सरकार में एक के बाद एक मंत्रियों पर सीबीआई और ईडी की गाज गिर रही है। 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली के रहे उप मुख्यमंत्री को शराब नीति में घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल सरकार के दो मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी सीबीआई और ईडी की गाज गिर सकती है। उन्हें भी शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई तलब कर सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही शराब नीति को फर्जीवाड़ा मान रहे हैं, पर मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम जिस तरह डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत जुटा रही है, इससे भविष्य में केजरीवाल सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मनीष सिसोदिया से रिमांड में हुई पूछताछ के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ईडी के दफ्तर बुलाया जा सकता है। ऐसी जानकारी है कि इस मामले में जांच टीम को पुख्ता सबूत मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि समीर महेंद्रू ने जांच एजेंसी को बताया था कि जेल में बंद नायर के फोन से केजरीवाल ने फेस टाइम पर वीडियो कॉल कर उन्हें कहा था कि विजय नायर उनका बच्चा है, उन पर वे भरोसा करें। महेंद्रू का दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए थे, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया था। इस मामले में ईडी विज्ञापन कंपनियों से भी पूछताछ कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि दोनों आरोप में सीएम केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल है। उन्हें महेंद्रू विजय नायर के सामने बिठाकर पूछताछ करना जरूरी है, जिससे सच का पता लगाया जा सकेगा।